भाई तुम लगातार आप और आपकी पत्नी जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, और आज भी आप किस बाढ़ में पहुँचे और क्या सहायता की, क्या आपका मान? लगभग एक वर्ष पहले, दो वर्ष क्या नाम तू? कैलाश। लगभग दो वर्ष हो चुके हैं। कैलाश खरे जो भैरव बाबा जी मोहल्ला के पीछे रहते हैं, प्रतिदिन की भांति वो अपनी दुकान से लौट रहे थे और अस्पताल के पास ट्रक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार में भी मैं शामिल हुआ था। उस समय मैंने संकल्प लिया था, चूँकि उनकी पत्नी है, बच्चा है, वो असहाय है, कोई नहीं है, तो उनकी मदद करना है। आज कोरोना काल है, हम सब परेशान हैं, आज मदर्स डे है, तो मैंने सोचा कि उन आज मदर्स डे पर उनकी माँ को जाकर कुछ प्रोत्साहन राशि दूँ, इसलिए आज उनको मैंने नगद 25,000 रुपये की प्रोत्साहन सहयोग राशि दी है। और जब तक मैं विधायक हूँ 3 वर्ष तक, तो हर महीने 2,000 रुपये उनके बच्चे के लालन पालन और शिक्षा के लिए मैं देता रहूँगा। और इनका BPL कार्ड भी बनवा दिया गया है, और जो भी मुझसे इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए मदद होगी मैं करूँगा। और इस कोरोना काल की महामारी में मैं निरंतर जनता के साथ में खड़ा हूँ। यदि कोई भी एक व्यक्ति इस कोरोना से या अन्य कारणों से मृत्यु होती है, तो हम सबको बड़ा दुख होता है, हमें ऐसे लगता है कि हम अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। हमारे लोग हमारे बीच में रहें, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन, जिनको इंजेक्शनों की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, उनको दवा और इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। और जो भी समस्याएं अस्पताल में मरीजों की आती हैं, उनको तत्परता से उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, उनकी मदद करने का हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारी नगर की जनता भी निरंतर इस कोरोना काल की महामारी में एक परिवार के नाते सहयोग कर रही है। मैं हृदय से पूरी जनता को, सभी समाजसेवियों को जो इस कोरोना काल में लगे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान खूब शक्ति दे और शक्ति के साथ वो करें, और हमें भी भगवान इतनी शक्ति दे कि जिस भावना ने जनता ने भावना से जिस जनता ने हमें चुना था, उनकी भावनाओं पर खड़े उतरें और उनकी हम सेवा करते रहें।